बढ़ते आगे, जहां हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देश अनुसार शनिवार को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता और सीजेएम एवं डालसा सचिव वर्षा जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मेंबर ऑफ परमानेंट लोक अदालत विक्रम खट्टर भी मौजूद रहे। दिनेश कुमार मित्तल ने इस मौके पर कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में आगे कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है, जिसमें समय और धन दोनों की ही बचत होती है। पूरे हरियाणा में सब डिस्ट्रिक्टों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया और उसके अंदर दीवानी और फौजदारी जो केस राजीनामा से कंपाउंड हो सकते हैं वो केस, मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के कंपनसेशन केसेज, 138 के जो है चेक के केसेज और जितने भी जो केस फैमिली मैटर्स, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, इन सभी केसों का आज कोर्टों में रखे गए हैं। और हमारे रेवाड़ी में अब तक जो है 44 जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के केस निपटाए गए राजीनामा द्वारा और 3,03,71,67,000 रुपये का जो है कंपनसेशन हमने जो है विक्टिम्स को या उनके जिनकी डेथ हो गई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उनको दिए गए। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।